I'm gonna miss her. हेलो जी, स्वागत है आप सभी का। मैं इस वक्त हूँ बलरसा के रेलवे स्टेशन में और मैं अभी जाने वाला हूँ नागपुर के लिए, और फिर नागपुर से मेरी जो यात्रा है वो रहेगी न्यू जलपाईगुड़ी तक। तो अभी काफ़ी डार्क है यहाँ पे, तो उसके वजह से मैं आपको पता नहीं दिख रहा है या नहीं, लेकिन मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो। 6:20 को ये ट्रेन निकलने वाली है, तिरुवनंतपुरम से ट्रेन आई और ये जाने वाली है न्यू दिल्ली, लेकिन हमको जाना है नागपुर तक। 3 घंटे लगने वाले हैं, तो हम नागपुर में मिलेंगे क्योंकि काफ़ी डार्क है यहाँ पे। 6:15 बज रहे हैं अभी और बस 5 मिनट में ट्रेन निकलने वाली है। तो अभी 9:20 हो गए और हम नागपुर पहुंच गए। बलरसा से नागपुर आने के लिए करीबन 3 घंटे लग गए, और इसके बाद हमारी जो ट्रेन है वो है न्यू जलपाईगुड़ी के लिए। अब हमारी जो अगली ट्रेन है वो रहेगी नागपुर से जलपाईगुड़ी तक, न्यू जलपाईगुड़ी तक, लेकिन वो जो ट्रेन है वो रहेगी रात के 1:30, तो 4 घंटे का समय अभी हमारे पास रहने वाला है। तो 4 घंटे में पता नहीं हम क्या करने वाले हैं। वैसे हमने आज का जो खाना है वो घर से ला लिया, तो कहीं खाने की ज़रूरत है नहीं हमको। और ये रहा हमारा लगेज। तो अभी 10:30 बज रहे, करीबन 1 घंटा हमने यहाँ पे टाइम पास किया, खाना वाना खा लिया, काफ़ी बोर हो रहा, तो हम बाहर जाने वाले हैं। ये सोन पापड़ी हल्दी रात में वाला। हाँ, ये चिप्स है। हाँ, हॉट चिप्स है। कितने का है ये? 100 का। 100 का ये फिर? अब हमारे यहाँ पे 20 का मिलता है ये। तो हॉट चिप्स है ना भाई, ब्रांड है भाई जी, आके ले लो मेरे क्या। तो अभी हमें ऐसे ही नागपुर रेलवे स्टेशन के बाहर बैठा हूँ, तो कुछ आपको नागपुर रेलवे स्टेशन के बारे में बता देता हूँ। तो भैया, सीन कुछ ऐसे है कि हम 1 घंटे से बाहर ही बैठे हैं और अभी 12:30 बज गए, अभी भी 1 घंटा बाकी है ट्रेन आने के लिए। तो मैं नागपुर रेलवे स्टेशन के बाहर ऐसे ही बैठा हूँ, और ये जो रेलवे स्टेशन है 1861 में ये ओपन हुआ था अंग्रेज़ों के ज़माने में, तो लगभग 154 साल हो गए इस स्टेशन को। टोटल 8 प्लेटफॉर्म है, रोज़ के 1,60,000 पैसेंजर यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे रोज़ आते हैं, और 240 ट्रेन यहाँ पे रोज़ रुकती है। तो ये वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन इन महाराष्ट्र है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे पहली ट्रेन चली थी मुंबई से, जो नागपुर को कनेक्ट हुई थी। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और बेंगलोर, हैदराबाद, इन सब सिटीज़ के लिए यहाँ से आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। तो मेरा जो एक दोस्त है नागपुर का, वो मुझे मिलने आया था और उसने कहा कि थोड़ा सा मैं आपको घुमा लूँगा यहाँ पर। तो अभी हम घूमने जा रहे हैं बस ऐसे। तो मैं आपको रामझूला और नागपुर का रेलवे स्टेशन है उसका टॉप ऊपर से दिखाऊंगा।
तो बस अभी एक बज गए और ट्रेन की तरफ जा रहे हैं हम। अभी हमारी जर्नी शुरू होने वाली है, ट्रेन लगभग बस आ गई। ट्रेन तो ट्रेन अभी आ गई 00255 लोकमान्य तिलक टर्मिनस से लेके ये जाने वाली है कामाख्या कर्म भूमि जो पड़ता है आसाम में। लेकिन हमको कामाख्या नहीं जाना है, हमको जाना है न्यू जलपाईगुड़ी। लगभग 27 घंटे 35 मिनट बाद हम जलपाईगुड़ी में पहुँचे, अगर ट्रेन करेक्ट टाइम पर पहुँची तो बहुत लंबी जर्नी वाली है। तो आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। 27 घंटे 35 मिनट की ये लंबी जर्नी और इसमें पड़ने वाले 16 स्टॉप। इसके बाद जंक्शन आने वाला है जो है गोंदिया जंक्शन, उसके बाद आएगा रायपुर जंक्शन, उसके बाद आएगा बिलासपुर जंक्शन। लगातार 3 जंक्शन आने के बाद एक स्टॉप आने वाला है और छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और फिर आएगा वेस्ट बंगाल। तो अभी ट्रेन जो एकदम टाइम पे पहुंच गई, रात के 1:30 बज रहे हैं और अभी मैं सोने वाला हूँ। तो कल हम मिलेंगे छत्तीसगढ़ में, क्योंकि रातों रात महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस होने वाली है ट्रेन। तो कल या तो बिलासपुर के बाद या रायपुर के, पता नहीं कब कहाँ मिलेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में ज़रूर मिलेंगे। तो कल मिलते हैं, अभी मैं सोने वाला हूँ। तो भैया सीन कुछ ऐसे है, सब लोग सेटल हो गए हम लोग। ये मेरी मिडल बर्थ है और मेरे दोस्त की मिडल बर्थ ये, और ऊपर गौरव भाई लगभग सोने की तैयारी कर रहे हैं। सब कुछ सेट हो गया, आप भी सो जाओ और अब कल मिलेंगे छत्तीसगढ़ में। गुड नाइट। झारसुगुड़ा जंक्शन में, ये पड़ता है ओडिशा में। छत्तीसगढ़ कब क्रॉस हो गया पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं लेट उठा 9:30 बजे। अभी 10:15 बज रहे हैं और ये जंक्शन है, तो थोड़ी देर रुकेगी यहाँ पर ट्रेन और फिर आगे जाएगी। ये है झारसुगुड़ा का जंक्शन। झारसुगुड़ा में काफ़ी सारे मेटलर्जी का इंडस्ट्रीज है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सिटी है ओडिशा के लिए और इसको पावर हाउस ऑफ ओडिशा भी कहते हैं। तो अभी अगला स्टेशन आने वाला है, उसका नाम है राउरकेला जंक्शन, जो है 101 किलोमीटर की दूरी पर। Love it.
ट्रेन के एक जगह रुक गई और 11:47 हो गए। अभी भी जलपाईगुड़ी जाने के लिए 17 घंटे बाकी है। ट्रेन की यात्रा अभी तक तो पता नहीं कैसी बीत रही। कैसा लग रहा ट्रेन में भाई? बोर हो रहा फिर कहीं तो, फिर रुक गई गाड़ी और खाने कुछ मिल नहीं रहा है यहाँ पे, स्टेशन पे कुछ भी नहीं है, तो ऐसे सीन है, थोड़ा बोर हो रहा। सुबह से खाने के नाम पे हमने बस खाए 2 5-स्टार और ट्रेन अभी एक जगह पे रुकी है। ठीक ठाक थी बस, अभी 20 मिनट हो गए कहीं तो भी रुके एक जगह पे, स्टील है, चल नहीं रहे कहीं पे, इसलिए थोड़ा सा बोर हो रहा है। कुछ ढूंढ रहे थे लेकिन कुछ मिला नहीं, बस अमूल की लस्सी और चिप्स के पैकेट ये सब था। ये सब हमारे पास ऑलरेडी है, खाने के लिए उतना कुछ खाया नहीं। कितना हो गया अपना टोटल? 15-30 तो टाटा नगर हम पहुंच गए लगभग 3 बजे और हम झारखंड में एंटर हो गए। इसके पहले राहुल के नाम थे, तो ये हमारा 3रा स्टेट है और इसके बाद हम वेस्ट बंगाल की तरफ जाने वाले। खाने के लिए कुछ खाना कुछ लेने के लिए हम उतरे थे और ये सब लिया हमने। बस हम ट्रेन की तरफ जा रहे हैं, निकलने वाली ट्रेन। तो 3 बज गए और टाटा नगर से हम निकल रहे हैं अभी। टाटा नगर एक बहुत फेमस स्टेशन है, यहाँ पे लगभग 100 ट्रेन ऑपरेट होती है एक दिन से। फिर टाटा नगर में हम पहुँचे, यहाँ का जो मौसम है थोड़ा ठंडा, ठंडी करना स्टार्ट हुई, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और अभी तक थोड़ी गर्मी लग रही थी लेकिन अभी थोड़ा ठंडा लग रहा है, अच्छा लग रहा है अभी। गरम वाला दो गरम।
दो ही ले फिर एक काम कर दो उनके तो अभी हम खड़गपुर के रेलवे स्टेशन में जो है वेस्ट बंगाल में और काफ़ी बड़ा स्टेशन है से ट्रेन निकल गई और खड़गपुर में ट्रेन आई थी कुछ लिया हमने खाने के लिए। अब अगला जो स्टेशन आने वाला है उसको टाइम है और खड़गपुर जो है बड़ा जंक्शन है इसके वजह से मैंने जो खाने के लिए चीज़ है वो यहीं से ले ली। पाँच बज के 12 मिनट हो गए और हमने खड़गपुर खाने के लिए अगला जो स्टेशन है वो है दानपुरी जंक्शन। 7:40 में हम पहुंच जाएंगे दानपुरी जंक्शन। तो अभी हम बर्धमान पहुंच गए वेस्ट बंगाल में। कल हम पहुंचने वाले हैं न्यू जलपाईगुड़ी। करीबन 20 घंटे का सफ़र अब तक हो गया और रात के 9 बज रहे हैं। एक घंटा लेट है ट्रेन, यहाँ पे 8 बजे आनी चाहिए थी लेकिन 9 बजे आई, तो काफ़ी रात हो गई और काफ़ी बोर हो गया मैं ट्रेन में एक्चुअली। तो 20 घंटे का सफ़र तो हो गया, अब बस रात निकालनी है। कल सुबह 5 या 6 बजे मैं न्यू जलपाईगुड़ी पहुँच जाऊँगा और मैं अभी कल मिलूँगा आपसे। अब मैं जाके सो जाऊँगा और कल देखेंगे कल क्या होने वाला है। दूसरा दिन दूसरी रात हम सोने वाले ट्रेन में और फिर हम कल मिलने वाले आपको न्यू जलपाईगुड़ी में। और हम मालडा जंक्शन, मालडा में नींद नहीं आ रही थी रात को हमें। अभी हम मालडा टाउन में, रात के 1:30 बज रहे हैं। यहाँ पे पूरी ट्रेन जो है लगभग खाली हो गई, सारे लोग मालडा टाउन में उतर गए और अभी हम बस 3 या 4 घंटे में न्यू जलपाईगुड़ी पहुँच जाएंगे। 6 बजे तक पहुँच जाएंगे सुबह के और एक्साइटमेंट में बिल्कुल हमको नींद नहीं आ रही क्योंकि जलपाईगुड़ी के बाद हम कहीं और जाने वाले हैं, वो हम मैं आपको बताऊँगा अगले ब्लॉग में। लेकिन फ़िलहाल नींद बिल्कुल नहीं आ रही और हमने कॉफ़ी पी की, नींद जो है और भी तोड़ी दी पूरी। सुबह के 5:40 हो गए और हम फाइनली पहुंच गए न्यू जलपाईगुड़ी। और ये सफ़र तय करने के लिए हमको करीब लगभग 28 घंटे लग गए। We'll be right back.
तो बस अभी हम पहुंच गए जलपाई रोड स्टेशन के बाहर और अभी ऐसे ही हम नाश्ता करने बैठ गए थोड़ी देर के लिए। आपको ऐसे काफ़ी सारी ऐसी दुकान मिलेंगे जो आपको आपको मिल जाएगा। तो हमने ये ऑर्डर किया, बस अभी ऑमलेट खा के निकलना है गैंगटॉक के लिए। तो गैंगटॉक तक का जो कुछ भी एक्सपीरियंस रहने वाला है मैं आपके साथ शेयर करूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैनल में बने रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, धन्यवाद।